हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो है साइंस की जो है क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, जिसका एक वीडियो हम लोगों ने पीछे देख लिया है कल की वीडियो में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ना देखा हो वो जो है प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री क्लास 10th, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो बच्चों, हम लोगों ने पीछे देखा था क्या होता है ट्रायडला, क्या होता है त्रिक नियम। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है। आज की वीडियो में जैसा कि आपके पास लिखा है न्यूलैंड का अष्टक नियम ना, हम लोग देखेंगे न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। तो बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्या है ऑक्टेट रूल, किसने दिया था। तो नाम पे ही डिपेंड है, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल मतलब न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो बेटा डोबे राइनर के बाद 1770 में क्या है, 1717 में डोबे राइनर ने क्या है, जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। जितना उनके पास सुविधा थी, जितना उस समय तत्व थे, उन्होंने कर दिया। ठीक उसके बाद 1866 में, सोच रहे हैं लगभग 150 साल बाद, किसी का ध्यान ही नहीं गया विज्ञान की तरफ, 150 साल बाद क्या है, फिर एक जो है अंग्रेज वैज्ञानिक आए जिनका नाम है क्या है न्यूलैंड। में याद रखिएगा 1866 में अंग्रेज अपना समझ लीजिएगा वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण का पुनः प्रयास किया। बेटा तो हम लिखेंगे तत्वों के वर्गीकरण का नया सिद्धांत दिया, नया सिद्धांत दिया, ठीक बेटा, जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। बेटा इनका भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि न्यूलैंड का जो है अष्टक सिद्धांत क्या है, किस बात पर आधारित था, तो इनका भी जो है बेटा वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित है। तो इसी को अब हम लोग लिखने वाले हैं। न्यूलैंड ने जितना इनके टाइम पे बेटा ज्ञात थे, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों, बढ़ते हुए मतलब आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्य उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया। कैसे बेटा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या है उन्होंने व्यवस्थित किया। और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की बेटा, सबसे कम और लेकर के कहाँ तक, 56 तक, क्या है 56 तक। तो उस समय मतलब इनके टाइम पे 56 क्या है तत्व तो ज्ञात थे। तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे कि न्यूलैंड ने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से, अब देखो यहां से लिख रहे हैं, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम क्या है शुरू होने से पहले ही क्या है उन्होंने कर दिया, आरंभ किया तथा 56वें तत्व, उस समय 56वां तत्व क्या था थोरियम, द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से लेकर 56वें क्या है बेटा तत्व, 56वें तत्व कौन सा था तत्व थोरियम, तत्व थोरियम तक वर्गीकृत किया। तो बेटा ये हाइड्रोजन से लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कहाँ तक बेटा, परमाणु भार जिसका एक था वहां से लेकर के 56वें तत्व, इस समय के 56वें तत्व एटॉमिक नंबर क्या है थोरियम तक में हमारे पास, पहले परमाणु क्रमांक जो है बेरियम का 56 नहीं था, इसका था थोरियम का। तो हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक के तत्वों का इन्होंने वर्गीकरण किया, और अपने वर्गीकरण के दौरान ही इनको इस बात का आभास हुआ, यह ज्ञात हुआ, उन्होंने देखा कि जो है जो आठवां तत्व है उसका गुणधर्म क्या है पहले तत्व के ही क्या है समान है। आइए इसी नियम को हम लोग बेटा भली भांति क्या है देखते हैं। अब थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि जगह कम है, ये बेटा थ्योरी वाले पोर्शन है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा जो है वीडियो जरूर देखिए ध्यान से, और फिर एनसीईआरटी पढ़िए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। न्यूलैंड ने अब अपने स्टेट नियम में क्या बताया, मेन नियम ये लिखने वाले हैं, न्यूलैंड ने पाया कि आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, के समान है। पहले का बेटा गुणधर्म कैसा है आठवें का, लेकिन इनको कैसे पता चला जब वो आठवां देख रहे थे कि हर आठवें तत्व का गुणधर्म क्या है, उसके से पहले जो हमारे पास पहला तत्व है उसके क्या है गुणधर्म के समान था, तो इसीलिए इन्होंने इसको क्या दे दिया ऑक्टेट रूल कहा, अष्टक नियम कहा। चलिए आगे आते हैं बेटा, अभी देखते हैं थोड़ा सा, अब हम बताते हैं आपको कि हाइड्रोजन से लेकर के बीसी तत्वों तक जो हल्के तत्वों के लिए सही था, बस हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन के बाद था कि हमने यहाँ तक तो लिख दिया, हमने यहाँ तक लिख दिया 56 तत्वों तक उन्होंने किया था, लेकिन अगर हम देखें ये केवल 20 तक ही क्या है मान्य है, कहाँ तक मान्य तक, हल्के तत्वों के लिए अष्टक नियम सही है लेकिन भारी तत्वों के लिए अष्टक नियम सही नहीं है। तो इनका ऑक्टेट रूल कहाँ तक लागू होता है, सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है, परमाणु क्रमांक 20 तक, उस समय परमाणु क्रमांक नहीं था लेकिन कैल्शियम तत्व तो था ही, तो कैल्शियम तक लागू होता था। जैसे देखें कि अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन के गुणधर्म क्या है फ्लोरीन से मिलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन को भी हम क्या है धातु अधातु दोनों में रखते हैं, तो इसका अधात्विक गुण फ्लोरीन के अधात्विक गुण से मिलता है। ये भी देखो हमारे पास है ना, ऐसे क्लोरीन भी क्या है देखो बेटा गैस है। अब अगर हम लिथियम की बात करें, अगर लिथियम को पहला माने तो लिथियम पहला, ये बेरिलियम दूसरा, बोरान तीसरा ना, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, और ये देखो सातवां, और ये क्या है आठवां। तो लिथियम की समानता क्या है सोडियम से हुई, और अगर इसको पहला माने तो देखो सोडियम के बाद ये हमारे पास क्या है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, और क्या है बेटा क्लोरीन सातवां, और पोटेशियम क्या है आठवां। तो बेटा अगर देखो ये सब क्या हो रहे हैं एक ही समूह में आ रहे हैं, और अब भी हम जानते हैं कि समूहों में उन्हीं तत्वों को रखा जाता है जिनके गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं, समूहों में एक ही जैसे गुण प्रदर्शित करने वाले लोगों को रखा जाता है, एक ही जैसे तत्वों को रखा जाता है। तो पहले की समानता बेटा किससे हो रही थी आठवें से हो रही थी, तो इसलिए जो है न्यूलैंड ने इसे क्या दिया अष्टक नियम दिया। तो बेटा इसलिए इसे लिए
न्यूलैंड ने इसे अष्टक सिद्धांत कहा। क्या कहा? अष्टक सिद्धांत कहा। शुरुआत है बेटा, इसलिए थोड़ा सा क्या है डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और इसी अष्टक सिद्धांत की तुलना इन्होंने क्या है संगीत के क्या है सात स्वरों से की, जिसमें उसमें क्या है सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद फिर आठवां क्या है सा ही आ जाता है, पहले के समान आ जाता है, इसलिए इन्होंने म्यूजिकल ला से इसकी तुलना की। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसको हटा करके। बेटा लिखेंगे नेक्स्ट में, न्यू लैंड ने अष्टक सिद्धांत की तुलना अष्टक सिद्धांत की तुलना संगीत के सुरों से की, सुरों से कि जैसे उसमें क्या होता है बेटा, पहला हमारे पास क्या है सा, दूसरा क्या है रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां जो होता है फिर से आ जाता है सा। क्या होगा? सा। तो बेटा ये हमारे पास क्या है कितने सुर? सात ही ना, एक और ये क्या है आठवां, फिर वही पहला आठवें के समान है, इसलिए जब इन्होंने क्या है संगीत के सुरों से क्या है तुलना की, तो इसीलिए इनके नियम को न इस लिए इस नियम को इस नियम को म्यूजिकल लॉ भी कहा जाता है। याद रखिएगा संगीत का नियम म्यूजिकल लॉ, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम, या कहिए या इसे कहिए तत्वों के वर्गीकरण का म्यूजिकल लॉ कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्टेट तत्वों के वर्गीकरण का ऑक्टेट सिद्धांत किसने दिया? तो बेटा न्यूलैंड। न्यूलैंड कहाँ के थे? अंग्रेज। कब दिए? 1866 में दिए, और उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। तो बेटा इसको हटा करके थोड़ा अब इन्हीं के बारे में और भी हम लोग डिटेल करते हैं, बहुत ही जल्दी सारांश में पढ़ लेते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे, न्यूलैंड के समय तक 56 तत्व ज्ञात थे। वो कौन से थे बेटा? कहाँ से? हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक। कहाँ तक? थोरियम तक ना। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, अष्टक ला मतलब ऑक्टेट रूल केवल हल्के तत्वों के लिए, हल्के तत्वों के लिए सही है। कहाँ तक बेटा? तब हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। कहाँ तक बेटा? हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। इसे ज्यादा क्या है पहले नहीं, इससे ज्यादा नहीं बेटा। बड़े भारी जो है तत्वों के लिए ना, जिनका द्रव्यमान काफी ज्यादा था उनके लिए ये रूल क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? तीसरे में हम आते हैं थोड़ा सा ना, भारी तत्वों के लिए यह नियम सही नहीं है। यह नियम सही बेटा नहीं है, याद रखिएगा। और क्या होता है सही नहीं है? उस समय क्या हुआ, अक्रिय गैसों का ज्ञान नहीं था, और अक्रिय गैसें जब आ गई तो ये क्या हो गया, और भी कंफ्यूजिंग हो गया बेटा। अक्रिय गैसों का पता चलने पर, अक्रिय गैसों का
पता चलने पर अष्टक नियम पूर्ण रूप से विफल हो जाता है, हो जाता है। तो आपको ये हम लोग जाने गए कि भैया जैसे ही क्या है नोबल गैसेस अक्रिय गैस हमारे पास हुआ तो हमको ये पता चल गया कि ये बेटा सही नहीं। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ऑक्टेट रूल किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया, किस सन में दिया, कहाँ के ये वैज्ञानिक थे, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे, कितने तत्वों तक क्या क्या है ये वैलिड है, केवल हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, और किस गैसों के पास या किन तत्वों की जो है जानकारी के बाद, नोबल गैसेस या अक्रिय गैसों की जानकारी के बाद ये क्या है नियम क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास और भी वैज्ञानिक आए, उनके बारे में बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। आप थोड़ा स्पीड बना के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान कहीं भंग मत करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट जो है वर्गीकरण, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है। और आप जल्दी से जल्दी चैनल को जो है ग्रो करवाइए, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए ताकि हमको और भी मोटिवेशन है मिले। हम आपके लिए 100% बेटा ये सब कुछ 100% एनसीईआरटी का नोट से है ताकि आपको और अच्छे से बता सकें। फिर मिलते हैं बेटा अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।